हेलो दोस्तों, मेरा नाम चंद्रशेखर है और मैंने डुओलिंगो टेस्ट के लिए 2 जून को रजिस्टर किया था। आज 5 जून है, यानी अब से करीब 24 घंटे में मैं डुओलिंगो इंग्लिश टेस्ट देने वाला हूँ। आज मेरे साथ गगन है और गगन द पीटी इंस्टीट्यूट श्रीगंगानगर में ट्रेनर है। और गगन यहाँ पे इसलिए है क्योंकि गगन मुझे बताएंगे कि इस टेस्ट को मैं कैसे बेहतर तरीके से दे सकता हूँ, क्योंकि कल मेरा टेस्ट है और 24 घंटे बचे हैं। तो गगन मेरे साथ अपने एक्सपीरियंस शेयर करेंगे एज अ पीटी ट्रेनर, क्योंकि अंग्रेजी पढ़ाते हैं, कि कैसे मेरी परफॉर्मेंस बेहतर हो सकती है। देखिए, पहले सबसे बड़ी ज़रूरी बात यह है कि कोई भी एग्ज़ाम जो होता है, लाइक जो ऑनलाइन एग्ज़ाम है, जैसे कि अगर हम बात करें पीटी या डीडीओ की, इन दोनों का पैटर्न सेम है। ये दोनों सॉफ्टवेयर के बेस पे काम करते हैं और कुछ जो पोर्शंस ऑफ क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चंस भी इनके सेम हैं। तो हमें यह देखना है कि किस क्वेश्चन में क्या टेक्निक लगेगी, क्योंकि दिस ऑल बेस्ड ऑन टेक्निक्स। हाँ, इंग्लिश आनी ज़रूरी है, लेकिन आप टेक्निक के बेस पे काम करेंगे तो आप इसमें अच्छा स्कोर ले सकते हैं। तो देखिए, अब मैं ये 15 मिनट का डुओलिंगो इंग्लिश टेस्ट, जो प्रैक्टिस टेस्ट है, ये देने के लिए तैयार हूँ। और मेरे साथ गगन बैठे हुए हैं, ये मुझे ऑब्जर्व करेंगे कि ये टेस्ट मैं कैसे देता हूँ और क्या कमियाँ हैं मेरे अंदर और मैं कैसे इम्प्रूव करता हूँ। तो आप इस वीडियो में बने रहिए प्लीज। ये स्कोर्स कम है ना। इसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं, दूसरा कुछ आया, कुछ क्वेश्चंस रह भी गए थे जो इसकी। तो देखिए, पहली बार जब मैंने टेस्ट दिया था, प्रैक्टिस टेस्ट 2 जून को, तो मेरा जो स्कोर था वो रेंज था 115 से 130 के बीच में। आज मेरा स्कोर कम आया है, मेरा स्कोर आया है 85 से 115 के रेंज में। अब अगर हम 115 से 130 की बात करें तो बनता है 7 से 7.5 के सात बीच साढ़े में। सात होते आज मेरा 7 से थोड़ा सा कम की तरफ जा रहा हाँ, है। मतलब आज आपका गया है ओवरऑल, मतलब 6 साढ़े 5 करीब आज जो बेसिक स्कोर गया है, हाँ उसका कारण एक्चुअली क्या है, आपके कुछ क्वेश्चन स्किप हो गए। मतलब अच्छा, ये भी ध्यान देने वाली बात है, मतलब अपना जब एग्जाम करेंगे कोई भी कैंडिडेट हो, इतना जोश में आ जाए कि उसके हाथ से स्किप बटन लग जाए, कि जो क्वेश्चन चला गया वापस नहीं, फिर मुश्किल हो जाएगी उसको, है ना। तो इसलिए थोड़ा ध्यान देने वाला है। और वो तो देखा जाए तो आपका 115 तक स्कोर जा रहा है 115 तक, जो कि 7 के आसपास है। तो ठीक है, अगर देखा जाए ऑन एवरेज तो आपका आज भी एक 6 6.5 एवरेज बनता है, दिस इज नॉट ए बैड स्कोर। लेकिन हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि जितना अच्छा हम इसमें परफॉर्म कर सकें वो हमारे लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। अच्छा, तो इसमें क्या लगता है आपको, और क्या क्या इम्प्रूवमेंट हो सकते हैं, आपने सर मुझे देखिए, देखा। मैंने आई हैव कॉपीड, आई हैव नोटेड अ लॉट ऑफ थिंग्स, है ना, जो शेयर करनी जरूरी है। देखिए, पहली बात, इसमें ग्रामर सेक्शन, जैसा मेरी आपसे पहले बात हुई थी, आपका जैसा ग्रामर सेक्शन आपका वीक है तो इसमें मुझे दिखा थोड़ा बहुत। जैसे आपने एक जगह यूज़ किया ब्लो, जबकि स्टार्टिंग बात हो रही थी पास्ट की, वो पैराग्राफ पास्ट का था, तो आपने वहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं लगाई, तो उसके लिए टेंस की नॉलेज होनी जरूरी है। उसके बाद इमेज एक आई थी, आपने क्या किया, इमेज को आपने सीधा लिखना शुरू कर दिया। आप पहले बताएं, दिस इमेज इंडिकेट्स, यह इमेज बताती है, मतलब एक प्रेजेंट सिंपल टेंस से शुरू करें। उसके बाद जाके अपना ओपिनियन ऐड कर दें, मुझे फाइनली ये लग रहा है, वो शायद इमेज थी एक रॉकेट के डेब्रिस की, तो आपने उसमें ऐसे लिखा कि दिस इज ए रॉकेट डेब्रिस। अब थोड़ा अच्छा लिखें, दिस इमेज आइडेंटिफाइज, या है ना, गिव्स मी एन आइडिया, जनरेट्स एन आइडिया, वो लिख सकते थे। और फाइनल कर सकते थे, आई बिलीव, आई स्ट्रांगली बिलीव, आई रेकन, ये कर सकते थे। उसके राइट फ्रॉम डिक्टेशन आया, ये आपका अच्छा था, लेकिन आपने गलती क्या की, जैसे आपने उसका, आपको चांस मिलेगा 2 बार सुनने का, आपने क्या किया, पहले हाफ में ही लिखा, आपने दोनों बार स्टार्टिंग में प्ले कर दिया सुनने के लिए। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि उसका हाफ को सुन लें और एक बार लिख दें, टाइप कर दें और दोबारा प्ले करके हाफ सुन लें, क्योंकि इसमें 2 बार चांस है। आपने क्या किया, स्टार्टिंग में दोनों बार प्ले कर दिया, उससे आधा सेंटेंस तो आपको अच्छे से याद रहा, ये आधा सेंटेंस आप भूल गए। तो इसलिए आप क्या करें, एक बार आधा लिख लें, फिर दोबारा प्ले करें, फिर आधा लिख लें। और एक और तरीका है, आप उसके स्टार्टिंग वर्ड्स लिख सकते हैं अल्फाबेट्स, लेकिन मैं ज़्यादा अच्छा मानता हूँ कि आप उसको 2 बार में सुन लें। उसका रिपीट सेंटेंस की बात है, वो आपके अच्छे थे काफ़ी, उसमें इतना, उसमें कोई दिक्कत नहीं थी। ओके, हाँ, अगर बात आती है रीड अलाउड की, कोई सेंटेंसेज आते हैं तो आपको उसमें इंटोनेशंस नहीं देनी। व्हाट आई मीन इज, आपको अप्स एंड डाउन नहीं करने। जैसे मान लीजिए कोई सागर में लहर चल रही है, आपको लहरें नहीं बनानी, आपको सेंटेंस एक फ्लो में बोलना है। ऐसा क्यों,
क्योंकि जो भी सॉफ्टवेयर होगा वो आपके जो वर्ड्स का गैप है उसको नोट करेगा, जितना ऊंचा गैप उतने ज्यादा कम मार्क्स। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको बोलना है आई एम गोइंग टू द वर्ड, नहीं, आपका मीनिंग समझ में आना चाहिए। उसके बाद आपके पास टॉपिक आया था म्यूजियम पे 50 वर्ड्स लिखने थे, यहाँ आपने बहुत बड़ी गलती की म्यूजियम के टॉपिक में, आपकी वर्ड लिमिट थी 50, आपने वर्ड लिख दिया 67, तो थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा इस सेक्शन में। मिनिमम 50 वर्ड्स नहीं था या 50 वर्ड्स की आई थिंक 50 वर्ड्स था इसमें, वो हम दोबारा चेक कर लेंगे इस बार। ओके अच्छा, फेवरेट रेस्टोरेंट की बात आपने फिर उसकी बात की। अच्छा एक बात मैं बोलना चाहूँगा, आपने जब म्यूजियम पैराग्राफ लिखा था आपने अच्छे वर्ड यूज़ किए, रेमिनिसेंट और क्लोज प्रॉक्सिमिटी, जो कि अच्छे वर्ड हैं, हर आमतौर पर उसको इंसान लोग नहीं यूज़ करते हैं, तो ये अच्छे वर्ड्स हैं। अगला टॉपिक आया फेवरेट रेस्टोरेंट, आपने इसमें अच्छे जस्टिफाई किया। कोशिश कीजिए कि जो आपने पॉइंट एक बार दे दिया उस पॉइंट को रिपीट करने की नौबत ना आए। आपने इस पॉइंट को दो तीन बार रिपीट किया, एक पॉइंट ऐसा आया। अच्छा दूसरी बात, उसके बाद वैसे एक टॉपिक आया था गुड और बैड का, जो आपको लिखना था, तो आपने गुड बताया, अच्छी बात है, बिल्कुल अच्छी बात है। आपने वाई बताया, उसमें ठीक है, लेकिन आप वापस वही बात हो रही है कि आप उसी टॉपिक को घुमा के लेके आ रहे हैं वापस उसी पॉइंट को, है ना। आपने बोला ये मीडियम जो एक शायद टॉपिक था लैंग्वेज का, कि हाँ लैंग्वेज क्यों सीखनी चाहिए, फॉरेन लैंग्वेज, तो आपने बोला कि मीडियम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है। उसका आप एग्जांपल दीजिए कि इससे नेशन को क्या फ़ायदा हो रहा है, अगर मीडियम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है जो पॉइंट दिया है आपने, उसका एग्जाम्पल साथ प्रूव कीजिए। आप अच्छे अच्छे वर्ड्स काफ़ी यूज़ करते हैं, डायस्पोराज अच्छा वर्ड है, ये वोकैबुलरी आपकी अच्छी जा रही है। उसका लास्ट में फिर क्वेश्चन आया राइट वर्ड पर्सन यू एडमायर, अब उसने पूछा है आपसे कि आपको आप उस पर्सन का एडमायर क्यों करते हैं। आपको इतिहास नहीं बताना है, आपको ये बताना है कि आपने उसको एडमायर क्यों किया, आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा व्हाई यू आर एडमायरिंग दैट पर्सन, व्हाट्स द रीजन बिहाइंड दैट, सो आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। सो दैट्स ऑल फॉर दिस, आपकी अच्छी परफॉर्मेंस थी और आई होप कि आप अच्छे स्कोर्स प्राप्त करें, जैसे मुझे लगता है कि आप कर पाएंगे। हाँ देखिए कल टेस्ट है और देखते हैं कि कितना स्कोर आता है। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ ये देखने के लिए। मैं भी एक्साइटेड हूँ। तो आपका भी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और कल मैं ये टेस्ट दूंगा और देखते हैं कि मेरे फाइनली कितने मार्क्स आते हैं। मैं ये वीडियो आपसे फिर दोबारा शेयर करूँगा जब मेरे मार्क्स आ जाएंगे। मार्क्स आने में 5 दिन का समय लगेगा, लेकिन कल मैं आपके साथ अपने टेस्ट का एक्सपीरियंस भी शेयर करूँगा।